नमस्ते एवरीवन, मैं शीतल बाकरा, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। पूरा हफ्ता चला गया, इस हफ्ते में हार्डली 4 दिन का मार्केट था और 4 दिन के मार्केट में हमने देखा काफ़ी सारी उथल पुथल हमने देखी। पहले दिन थोड़ा निगेटिव, फिर दूसरे दिन प्लस, फिर डो जोन्स प्लस, फिर फॉरेन मार्केट प्लस, काफ़ी सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशंस करके हमने देखा कि स्टॉक मार्केट में काफ़ी सारी मूवमेंट होते हुए हमने देखी है। आज की अगर फंडामेंटल न्यूज़ में आप लोगों के साथ शेयर करो, अगर आप 2 दिन पहले का मेरा वीडियो देख सकते हो तो उसमें मैंने आपको बोला था कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में अच्छे है। उसमें मैंने स्पेशली आपको एक केमिकल सेक्टर्स प्रेफर किया था और उस केमिकल सेक्टर्स के लिए अगर न्यूज़ अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारा चाइना और यूरोप में काफ़ी सारी डंपिंग होते हुए दिख रही है केमिकल्स में, तो इंडिया ने उसके ऊपर बैन कर लिया। अब इंडिया में वहाँ से केमिकल्स आएंगे नहीं तो इंडियन कंपनीज, केमिकल्स जो कंपनीज है उनकी डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो स्टॉक का रेट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेके आप केमिकल सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। काफ़ी सारे यूएसए की तरफ से भी चाइना के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आते हुए हम लोग देख रहे हैं, तो जब भी रेस्ट्रिक्शंस आते हैं क्योंकि इंडिया ने क्या सोचा है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना के ऊपर और यूरोप के ऊपर केमिकल्स के ऊपर लगा सकते हैं, तो ये एक बेटर ऑप्शन है केमिकल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बट उसमें से भी कौन सी केमिकल कंपनीज अच्छी है, कौन सी लॉन्ग टर्म के हिसाब से, कौन सी शॉर्ट टर्म के हिसाब से, कौन सी मिड टर्म के हिसाब से, ये आपको गाइड करना पड़ेगा, खुद को आपको स्टडी करनी पड़ेगी किस चीज़ की, कौन सी कंपनी की डिमांड ज़्यादा है, कौन सी कंपनीज की डिमांड कम है, यहाँ तक हमें सोचना पड़ेगा। उसका रेजिस्टेंस, उसका सपोर्ट लेवल हमें देखना पड़ेगा, एट द रेट कॉस्ट हमें उसकी देखनी पड़ेगी, उसके बाद में ही हम लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सजेशंस आप लोगों के साथ देते हैं और गाइड मैं आप लोगों के साथ करती हूँ। तो गाइस, आज का प्रॉफिट, आज ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे जो अभी लास्ट बैच में हुआ है उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया है। आई एम हैप्पी टू शेयर विथ यू। सुमित सर, अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आप देख सकते हो आपकी लाइव प्रॉफिट आज मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, सुबह हमने एक्सिस बैंक खरीदा था, 200 क्वांटिटी खरीदी थी, आप देख सकते हो 377.50 में खरीदी थी और 200 क्वांटिटी हमने बेच दी है। हमने ये क्वांटिटी बेची है आज के दिन में 388 रुपीज़ में और वहाँ पे इनका प्रॉफिट है 2100 का। इसका टाइमिंग मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर आज उनको FNO में ट्रेड करना था क्योंकि लास्ट वीक पे पूरा सीखे थे, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में इन्होंने ट्रेड किया था 18,890 में 20 क्वांटिटी का लॉट हमने खरीदा, 18,990 पे हमने 20 क्वांटिटी यहाँ पे बेच दी। फर्स्ट FNO प्रॉफिट था, 1984 रुपीज़ का फर्स्ट FNO प्रॉफिट यहाँ पे सुमित सर ने बुक किया है। ऐसे काफ़ी सारे प्रॉफिट्स यहाँ पे हुए हैं। अगर आप लोगों के साथ टाइमिंग शेयर करूँ कि बैंक निफ्टी में 2000 रुपये कितने जल्दी यहाँ पे मिले थे, $11.49 and $12.16, मतलब हार्डली हम लोग हाफ एन आवर पकड़ के चले, हाफ एन आवर में इन्हें 2000 रुपये मिल गए थे। इवन अगर मैं आपको एक्सिस की बात करूं, कैश में लिया गया था ये शेयर भी, आप देख सकते हो बाइंग किया गया था 9:32 को बाइंग किया गया था और 10:40 को ये सेल हो गया था। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि हाफ एन आवर, वन एन आवर में, हाफ आवर में बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ और एक्सिस बैंक में। मैंने लाइव आप लोगों के साथ शेयर किया है कि किस तरीके से क्लासेस के स्टूडेंट्स ने मैजिक फॉर्मूलाज यूज़ करके, खुद का दिमाग यूज़ करके, इन लोगों को किसी के कॉल्स की ज़रूरत नहीं पड़ी है, इन्होंने खुद का दिमाग लगाया, खुद की स्टडी की है और प्रॉफिट किया है। तो ऐसे ही प्रॉफिट आप लोग भी कर सकते हो। आज 2 बैचेस शुरू हो रही है, 2 to 4 और इवनिंग 7 to 9, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन लाइव मार्केट में, सॉरी 3 दिन थियोरेटिकल पार्ट रहेगा और मंडे से हम लोग लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल्स लेंगे जहाँ पर आपको मैजिकल फॉर्मूलाज दिए जाएंगे। जस्ट मैजिकल फॉर्मूले से इतना मैजिकल प्रॉफिट आप कर सकते हो। टिल देन गाइज, ऑल द बेस्ट।